अध्यक्ष रहते हैं, दो चार लोग रहते हैं, बाकी सब उसके चल देते हैं। तो ये नीरज जी ने जो शुरू किया कि नहीं मैं पहले पढ़ूंगा, मैं पहले पढ़ूंगा और मुझे जाना चाहे वो जाते तीन घंटे बाद, तो शोर मचा के पहले पढ़ लेते थे कि लोग मुझे सुन ले, बाद में सुने ना सुने, रुके ना रुके। तो ये जो परंपरा आज मैंने यहाँ देखा है, आपने तोड़ा है, इस पर बहुत अच्छा लग रहा है। और नारी सशक्तिकरण जो बात हो रही है, बसंत उत्सव की बात हो रही है, तो पहले मैं नारी की उससे शुरू करती हूँ। कुछ पंक्तियां जो मेरी अपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहां से शुरुआत करती हूँ। देखेगा कि बड़ी मुश्किल से दिल की बात में होठों पे लाई हूँ। बहुत वर्ष पहले कभी लिखा लिखने भी नहीं दिया जाता था नारियों के लिए, तुम क्यों लिख रही हो, किससे प्यार करती हो, प्यार करने भी लिखा जाता था। ये सब बात होती थी उस समय, और इतना पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी महिलाएं। फिर पूछा जाता था, बड़ी मुश्किल से दिल की बात में होठों पे लाई हूँ, तुम्हारी आंख में बन कर के बदली मैं ही छाई हूँ। कभी सीता कभी राधा कभी मीरा बनी मैं ही, कभी सीता कभी राधा कभी मीरा बनी मैं ही, जहाँ ने दी मुझे ठोकर मगर मैं मुस्कुराई। और मुस्कुराते मुस्कुराते भी कहाँ तक पहुंची सारी जहाँ को देखने के बाद, तब मेरे कहने की हिम्मत हुई। एक गजल का शेर कह रही हूँ कि थी नदी सागर बनी, अब सिर्फ नन्ही बूंद हूँ। क्या बात, थी नदी सागर बनी, अब सिर्फ नन्ही बूंद हूँ, अब सिर्फ नन्ही बूंद हूँ, पर मुझे मालूम है सागर मुझी में बंद है। सागर मुझी में बंद है।